एक चीज़ जानी हाँ सारी ड्यूटी तो फेस की थी, डील की थी, वो सब मैं और लाइफ से जो एक पल आ जाता है ना वो वापस नहीं आता जो वो गुजर जाती किस्मत या की वे कि आने सारी इस तरह हो गया। तो प्लीज़ तुसी अगर ये जो लोग गए भी हैं इस हादसे में इस दुनिया से तो वो खुदा की मर्जी है। वो आप गाइज इज़ मी सन्या शेयर, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ सन्या शेयर लाइवली। होप यू गाइज ऑल आर फाइन फिट फैट, सब ठीक होएगा, फिट चल रहे होएगा और डेली लाइफ की सिचुएशन में प्रॉब्लम्स में डील करके तुसी थके नहीं हो और इस गड्डी नू गुजर लैन दो यार, फिर गल करने हैं क्योंकि बहुत बार दी आवाज़ आदि ने और मैं जस्ट हूँ ही नाइट शिफ्ट करके वापस आई हाँ और मेरी है कोई चौथी पंजवीं नाइट है, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन बहुत बिजी जा रही है। बट खुदा का शुक्र है कि खुदा इन्ना स्टैमिना दे रहा मैनू। मैं लास्ट 30th में ऑफ किया सी मैं और मैं कंटिन्यू चल रही हूँ, उदा की रीज़न है मैं दसागी तुहानू बाद च। लेकिन यार रात भी जैमें मैं एक चीज़ चाहती हाँ सारी ड्यूटी तो फेस की डील की वो सब मैं जरा मेरे दिल से गल मैं थोड़े लोगों ने डिस्कस करना चाहनी हाँ कि इंज भी होंगे है लेकिन न्यूज़ से देखने वो गल अलग होंगी। बट लाइव तुसी देखो, लाइव जो एक चीज़ वेखो तो थोड़ा दिल बहुत जोड़ा वो सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे, तुसी ज़्यादा खुदा के करीब आते हो और तुसी जोड़ा वो होर ज़्यादा खुदा के नाल अटैच हो जाते हो और लोगों मोटिवेशन लोगों वेख के तुम मोटिवेशन मिलती है और तुसी जोड़ा अपनी वजह तो ही किसी को इंस्पायर कर सकते हो। मैं मेरे लव्स मेरे फीलिंग्स के नाल मैच नहीं हो रहे शायद, लेकिन मेरे दिल से जोड़ी गल है मैं तुम्हारे सारी जोड़ी वो डिस्कस करनी है। सो तुसी नाल रहो यार, ब्लॉग छोटा जा ही है, पूरा तुसी इस ब्लॉग में देखो और मैं जो दसना चाह रही हाँ, जो डिस्कस करना चाह रही हाँ, कल जोड़ी सिचुएशन मैं अपने पेशेंट के नाल डील की फेस की वो मैं चाह रही सके थोड़े लोगों ने डिस्कस करा ताकि तुसी लोग भी समझो कि जिंदगी कितनी कीमती है और जिंदगी दे विच मैं भी समझा मेरे वास्ते भी है जिंदगी कितनी कीमती है और लाइफ से जोड़ा एक पल आ जाता है ना वो वापस नहीं आता, जो वो गुजर जाता वो वापस नहीं आता। सो उन्हें इंजॉय करना चाहिए और उस पल दे विच जोड़ा ना खुदा का बहुत बहुत शुक्र करना चाहिए कि खुदा साड़ी लाइफ से यह वक्त लैके आया है और वो अच्छी तरह जोड़ा भी वक्त खुदा साड़ी लाइफ से लैके आए वो बहुत ही ज़्यादा सेफली गुजरे और वो खुदा दे विच रह के खुदा दी पनाह दे विच रह के गुजरे ताकि जोड़ा ना साड़े नाल इहो जिहा कुछ भी ना हो। सो तुसी मेरे नाल रहो और मेरी गल नूं सुनो और ताकि मेरा दिल जिन्ना भरिया हो मेरे दिल में थोड़ा हौसला मिले, तसली मिले और फिर मैं सुकून ना सो के तो जोड़ा नैक्सट ड्यूटी वास्ते तैयार हो सकाँ। कल जैवें ही मैं ड्यूटी पर पहुँची नाइट शिफ्ट ते मैं एक पेशेंट डील किया जिन्हों का जोड़ा वो वरीमा सी और वो लोग जोड़ा ना जा रहे सन कि ट्रैवल कर रहे सन पूरी फैमिली के नाल और इन्ना बुरा उन्हों का एक्सीडेंट होया कि दूल्हे जोड़ा मुंडे जोड़ा पता नहीं वो लैग इंजरी वगैरह हुई और उन्होंने फादर जोड़े ने बहुत सीरीयस ने और उन्होंने सिस्टर की ऑन द स्पॉट डैथ हो गई, सिस्टर की बेटी की सिस्टर की बेटी की ऑन द स्पॉट डैथ हो गई और जोड़ी कुड़ी सी उन्होंने मतलब सारे फेस के जोड़ा वो इन्नी काफ़ी ज़्यादा चोटा लगियाँ, शीशे वगैरह उन्होंने फेस से सारे मतलब लैसरेशन रिपेयर वगैरह उन्होंने होना सी और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चोटा आई हैं। और जो मैं उस कुड़ी दे वल जाके वेख्या उदे नाल मैं गल की यार तो इन्नी इमोशनल अपसैट सी वो बंदी कि मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन मैं मेरे दिमाग से जो जो गल्ला आ रही सन सारी मैं उन्होंने कही कि यार तुम सोच रहे हो कि शायद मैं इन्नी भैड़ी कुड़ी हाँ जो साढ़े पाकिस्तान से सोचा जाता है कि पता नहीं किहो जी मनहूस कुड़ी आ गई किहो जी यदि यदी कहो जहाँ मतलब कि यदि किस्मत या की वे कि आने सारी इस तरह हो गया। तो प्लीज़ तुसी अगर योजे लोगों मिलते हो या अगर तुसी योजी थिंकिंग रखते हो तो प्लीज़ इस थिंकिंग नू यार ख़त्म करो, योजी कोई गल भी नहीं होंगी, सब नसीब और सब चीज़ा जड़िया खुदा वालों होंदिया ने वो खुदा वालों लिखिया होंदिया ने, यह किसी की भी लाइफ से खुदा माफ़ करे इंसीडेंस हो सकता, इट्स नॉट अ बिग डील कि भाई कुड़ी योजी है या इस तरह है, इस थिंकिंग नू तुसी सही करो। और मैं उन्होंने समझाया कि यार आप प्लीज़ अपने माइंड में से ये चीज़ें सारी निकाल दो, खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है ना तो ये बहुत बड़ी बात है और अगर जो लोग गए भी हैं इस हादसे में इस दुनिया से तो वो खुदा की मर्ज़ी है, वो आप होनी को नहीं टाल सकते हो, लेकिन अपनी थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप ये सोचोगे तो जो आपसे रिलेटेड लोग हैं वो की सोचेंगे। सो प्लीज़ अगर तुम योजे लोगों ना मिलो तो यार उन्होंने थिंकिंग ब्रॉड करो, मैं समझ नहीं आती कि योजी सोचा कितों आ जाए ने सू लोगों, लेकिन असी अपनी मतलब अपनी सोच साढ़े अपने हाथ से वे उन्होंने प्लीज़ थोड़ा जहा खुला करो, सोच में थोड़ा जहा वसी करो और अच्छा सोचो, ठीक है। बाकी मैं उन्होंने थोड़ा तसली दी हूँ, खुदा मेरे दिल में तसली दे, खुदा वो मामले सारे हल कर दे और वो बस ठीक हो जाए और वो हस्बैंड भी ठीक हो जाए और लोग खुश रहन। सो मेरा दिल थोड़े लोगों ने गल करके थोड़ा रिलैक्स होया। सो
मैं हूँ सुकून ना सो पावगी और मैंने उन्हें पता मैं इस व्लॉग में कदों जोड़ा एडिट करके अपलोड करांगी। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैंने तो लोगों ने गल करके बहुत सुकून मिले तो घर मामा डैडी जोड़ा ने वो सब्जी लैन गए सन, बाकी छोटे भैन भरा रोज लिशा सुते हैं। तो मैं सोचा कि हूँ मैं इनू गल जी मेरे अंदर हो मैं कैप्चर कर लाँ। सारी रात ही मेरी पल्स बहुत ज़्यादा तेज़ रही, पैल्पिटेशन का मैं प्रॉब्लम है। जो मैं कोई टेंशन होंगी तो मेरी टैकीकार्डिक मैं बहुत हो जाती हूँ, तो बहुत मतलब मैं टेंशन रही इस गल की। लेकिन आई जस्ट प्रे कि खुदा उन्होंने लोगों को तसली दे और जोड़ा ना वो सब कुछ सही कर दे और किसी वैरी दुश्मन के नाल भी जोड़ा है वो जो कोई हादसा ना हो। खुदा सब की जिंदगी खुशी जोड़ा अच्छी तरह लियाए। मॉम डैड आ गए मैं डोर खोलनी।